हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। मैं आज बात करने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी का जो 2018 का बैच था। उस बैच के अंदर आप लोगों ने जितना भी ऑनलाइन किया था, एग्ज़ाम भी दिया होगा। लेकिन उस एग्ज़ाम के बाद आपका जो बैलेंस रिफंड का एक सिस्टम था, बैलेंस रिफंड का बात थी। अगर आप लोगों को अभी तक आपका बैलेंस रिफंड नहीं मिला तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको दिखा दूँगा। आप तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का। तो सेकेंड बात जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने और दूसरे के अकाउंट को यूज़ किया है, ठीक है, तो आपने भी उस अकाउंट को यूज़ किया और आपके दोस्त ने भी उस अकाउंट को यूज़ किया ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय, ठीक है, तो तब तो आपको उस रिफंड का बैलेंस जो है आपको तो यहाँ पे मैंने मेरा फ्रेंड का अकाउंट यूज़ किया था और मेरे फ्रेंड ने भी मेरे उसका अकाउंट यूज़ किया था, तो इसीलिए मेरे यहाँ पे मैसेज आया, ठीक है, तो your free refund for CEN not made as your account number is common with other candidate। ठीक है, बता रहा है कि दोनों का जो अकाउंट नंबर है दोनों का सेम है। ठीक है, कन्फर्म एंड मॉडिफाई बैंक डिटेल्स थ्रू लिंक अवेलेबल ऑन आरआरबी वेबसाइट। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नजरुल। तो शुरू करने जो अकाउंट मॉडिफाई करने का लिंक है, आप उधर से इसे मॉडिफाई कीजिए, उसके बाद आपको पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अभी तक आपकी रिफंड बैलेंस जो अमाउंट है, तो अभी तक आप लोगों को नहीं मिला, तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को पूरा देखा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे आप जाइए। जाने के बाद उस लिंक को आप कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, उस लिंक को ओपन करने के बाद आपका जो जोन है, ठीक है, जोन यानी आपने जिस सेंटर पे जिस जगह पे आपने एग्ज़ाम दिया था, उस एग्जाम जोन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरा गुवाहाटी है इसलिए मैं गुवाहाटी सिलेक्ट कर लिया, तो आपके अपने जोन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बात जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, मैं अपने डाल लेता हूँ। डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। डालने के बाद यहाँ पे डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है, इस कैप्चर को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कीजिए। दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दूसरी पेज पर ओपन हो जाएगा, देखो पेज पर कर जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नाम, देखो जिसका नाम पे अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसका सेकंड जो है अकाउंट नंबर, ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है कन्फर्म अकाउंट नंबर, ठीक है, उससे यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर दोनों बार टाइप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, की बोल रहा है, ठीक है, तो आपको बता दूंगा मैं दोस्तों, आपको एक ही सांस मिलेगा। दोस्तों अगर आपने कुछ गलती कर दी, अकाउंट नंबर आपकी गलत हो गई और दूसरे किसी का डाल दिया, तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप ध्यान से देखिए, देखकर आपने अकाउंट नंबर को डालिए। ठीक है दोस्तों, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद मैं आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, योर बैंक डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है सर, अपडेट हो गए और यहाँ पे, और अगर आप चाहते हो दूसरी बार आपको ओपन करना है, ठीक है सर, लेकिन आप इसे ओपन कर नहीं पाओगे। ठीक है सर, अपडेट हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डालते समय ध्यान से डालिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।